आज 24 जुलाई 2024 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। आई बाबा बिजनेसमैन बने, बिजनेस में भी एक होलसेल का व्यापार होता है, एक रिटेल का। रिटेलर भी होलसेल से सारा कुछ लेते हैं तभी बाद में रिटेल करते हैं। काज बाबा ने कहा होलसेल व्यापार है मन मना भव, यानी अलफ को याद करना और कराना, बाकी सब है डिटेल, बाकी सब है रिटेल। रिटेल को डिटेल को सिर्फ मन मना भव और मध्याजी भाव हो जाओ, बस ये दो मूल मंत्र है होलसेल, बाकी सारा रिटेल है। तो हमने कौन सा व्यापारी बनना है? होलसेलर। प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? सुनो बाबा किनका वेलकम करेगा? उत्तर है, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते। जिसे कहा गया है देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। सुना, जिनके लिए सिर्फ मेरा सारा संसार ही बाबा है, बस रहेंगे सबके साथ पर बुद्धि में एक बाबा दूसरा ना कोई, उनको बाबा भी रिसीव करेगा। तो बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, फूल बनाते हैं, प्योर बनाते हैं, फिर फूल बच्चों को की अपने घर में वेलकम करते हैं। संगम युग है फूल बनने का, प्योर बनने का, बाबा वेलकम करेंगे। तो अभी सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना। खाली कुर्बान जा रहा नहीं, ऐसे तन मन लगा के फिर वर्षा भी लेना है। तो जो लगाओगे अभी वही मिलेगा, जितना उतना। दूसरा, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं उसी से अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम हैं। किसमें खुश रहोगे, नशे में रहोगे, कि हम हैं पद्मा पदम भाग्यशाली वरदान। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। कौन है विशेष? हम विशेष, आई एम ए स्पेशल सोल। स्पेशल सोल क्यों है? क्योंकि आप अनुभव करते हो हर चीज़ का और अनुभव कराते हो। किसे करना है? ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी। क्या है ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी, क्या है प्रॉपर्टी और क्या है पर्सनैलिटी? सुने ध्यान से, बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को समृद्धि दिलाते हैं। किसको दिलाते हैं? सभी ब्राह्मण बच्चों को, कि ब्राह्मण बने अहो सौभाग्य। आप बाबा के बन गए ना, अहो सौभाग्य, सौभाग्य तो आपका बन गया उस दिन से ही। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा यानी प्रॉपर्टी क्या है? संतुष्टता। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना अधिकारी। क्या आपकी प्रॉपर्टी? संतुष्टता। और पर्सनैलिटी क्या है?
प्रसन्नता, पहले प्रसन्नता आएगी कि संतुष्टता आएगी? क्या पहले आएगा? पहले संतुष्टता आएगी, जितनी संतुष्टता होगी उतनी प्रसन्नता आएगी, है ना? तो संतुष्टता कैसे आती है? संतुष्टता कैसे आती है? जब प्राप्ति होती है, प्राप्ति से भरपूर होते हैं तभी संतुष्टता आएगी। तो प्राप्ति कैसे होती है? जब कोई इच्छा नहीं रहती, इच्छा मात्र अविद्या हो जाती है तब प्राप्ति होती है। इच्छा आएगी तो सारी प्रॉब्लम आएगी, इच्छा नहीं होनी चाहिए कोई, फिर संतुष्टता आएगी, भरपूरता आएगी और फिर प्रसन्नता रहेगी। तो इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, तो फिर अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे ही रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। खुद भी भरपूर रहना है और दूसरों को भी अनुभव कराना भरपूरता का, तब कहेंगे स्पेशल सोल। उसके लिए स्लोगन है, लास्ट समय का सोचने की बजाय लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, क्या करो, लास्ट स्थिति का सोचो। समय क्या होगा उसका सोचनी है, मेरी लास्ट की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में सोचो। अपनी स्थिति को पावन बनाओ, समय तो अपना आप पावन बन जाएगा, पावन बन जाएगा। ठीक है, मेहनत है स्थिति बनाने में। ठीक है, ओम शांति।